रियलमी एंड ओप्पो ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग दोस्तों ऑटो ब्राइटनेस यूज़ करते हैं, कई लोग नहीं करते, क्योंकि दोस्तों वो जो है आपके एरिया पे या फिर आपके जो करेंट लोकेशन है उसके हिसाब से जो है आपको ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करके दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी लाइटर एरिया में है तो आपके जो स्क्रीन है उसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, अगर आप किसी डार्क एरिया में है तो आपका जो लाइट है स्क्रीन का, ठीक है, ब्राइटनेस वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से बिहेव करते हैं ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग पर, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाना है और ऑटो ब्राइटनेस यहाँ पर इनेबल करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो करेंट लोकेशन है उस पर इतना ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे चाहिए। ठीक है, और दोस्तों मैं जहाँ पर हूँ उस पर लाइट मैंने ऑन किया हुआ है, तो उसके वजह से ब्राइटनेस इतना ज़्यादा शो कर रहा है। अगर आप अंधेरे एरिया पे रहेगा तो इतना आपको ब्राइटनेस मिल जाएगा। ठीक है, तो यह है दोस्तों आपके ब्राइटनेस सेटिंग, ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग, जहाँ पे आप जाके ब्राइटनेस ऑटो ब्राइटनेस को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। अगर डिसेबल करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, अगर आपको इनेबल करना है तो भी आप यहीं से इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेटिंग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।